हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय गार्डन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज फिर से एक नए प्लांट के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अनयूजुअल सा प्लांट है जो कि हर जगह कॉमनली नहीं मिलता। ये उन्हीं जगह मिलता है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पानी मिलता है हमें। जहाँ पानी अच्छा मिलता है वहीं पर ये प्लांट मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करते हैं। यह है अगस्त का प्लांट। ये देखिए, मैंने अभी एक छोटा सा ही पौधा लेके आई थी नर्सरी से करीब 3 महीने पहले। इसे मैंने पॉट में लगाया और इसमें अभी मैंने देखा इतने खूबसूरत अगस्त के फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत शेप में, कितना अच्छा से फ्लावर्स हैं। ये अगस्त के फ्लावर्स हैं फ्रेंड्स। अगस्त ऋषि के नाम पर इस प्लांट का नाम रखा गया है। और जितने खूबसूरत ये फ्लावर्स हैं उतनी ही ज़्यादा इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू भी है। आयुर्वेदा में इस प्लांट का बहुत अधिक विवरण दिया गया है। कहा जाता है कि जब भी हमारे शरीर में इसकी जो लीव्स होती हैं, दे आर फुल ऑफ कैल्शियम, विटामिन ए बी सी इसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। आप इसको अगर इसकी पत्तियों का लेप स्वेलिंग कहीं पे होती है वहाँ लगाइए तो स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। इसके जो ये फ्लावर्स है ना फ्रेंड्स, इसकी सब्जियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। इसको साग के रूप में भी खा सकते हैं, इसका जूस भी यूज़ होता है। सो आयुर्वेदा में इसके बहुत सारे मेडिसिनल गुण बताए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है जैसे आप देख रहे हो छोटा सा ही है, लेकिन जब आप इसे सॉइल में ग्रो करते हो तो करीब 10-12 फुट इवन 15 फुट तक ये हाइट को अचीव कर लेता है। अलग अलग कलर्स में मिलता है, येलो कलर में, वाइट में, रेड में भी इसके फ्लावर्स मिलते हैं। लेकिन जो वाइट फ्लावर्स हैं उसी को मेडिसिनल यूज़ में हम लेते हैं। इसको सिस्बेनिया ग्रैंडिफ्लोरा इसका बॉटनिकल नेम है, अगती भी बोलते हैं, है ना। पंजाब में इसे हथिया के नाम से जानते हैं। इसको हमिंग बर्ड ट्री भी बोलते हैं। सो दे आर वेरियस नेम्स ऑफ दिस प्लांट। इट्स वेरी इजी टू ग्रो, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। इसको आप लगाइए, इसमें बस पानी की मात्रा में ध्यान रखिए। अक्टूबर नवंबर में इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं और एक बार लगाने पे ये बहुत ही अच्छा आपको लुक तो देता ही है। इसके अलावा दिस इज़, जैसे कि मैंने बताया, इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप इसे लगाइए और इसके बेनिफिट्स जितने भी होते हैं उनका आनंद लीजिए। ये देखिए, मतलब कितने खूबसूरत एंड अनयूजुअल शेप के ये फ्लावर्स होते हैं। इसकी जो कलियां होती हैं वो बहुत ही ऑबलोंग टाइप की होती हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत लुक आपके गार्डन को प्रदान करती हैं। सो फ्रेंड्स, यही मेरा एक छोटा सा वीडियो था। अक्टूबर नवंबर में इसके फ्लावर्स आते हैं, आप इसे जुलाई में बारिश के मौसम में लगा सकते हैं। मैं तो एक छोटा सा प्लांट लाई थी नर्सरी से लगाया, लेकिन इतने खूबसूरत फ्लावर्स इस पर आए कि मैं इससे अपना वीडियो बनाने से अपने आप को नहीं रोक पाई। बाद में इसका जो जर्मिनेशन होता है सीड्स से होता है। इसी फ्लावर में सीड्स होंगे और उन सीड्स को आप अपने उसमें लगाइए और डिफरेंट अलग अलग प्लांट्स भी आपको इसी पौधे के मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखें बाकी, ये मैंने अभी अभी अपना थोड़ा सा विंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ये देखिए, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, हल्दी का पौधा। इसको भी बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। नेक्स्ट वीडियो में एक मेडिसिनल वैल्यू वाले जो प्लांट्स होते हैं, ये तुलसी जी हैं, तुलसी का पौधा है, उस पर बनाएंगे। और फिर आपको बताते हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी हमारी मतलब वो आपके गार्डन की खूबसूरती तो बढ़ा ही रहे हैं, इसके अलावा उनकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि अगर आप उन्हीं का यूज़ करें तो आप बिल्कुल ही डिजीज़ फ्री रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं। ओके, बाय 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 फ्रेंड्स।